प्यारे बच्चों, आदाब। इस सबक में हम हर्फ़े जार के बारे में आपको बताएंगे। आप बोलते वक्त कई हरूफ़े जार का इस्तेमाल करते हैं। हर्फ़े जार, तो बच्चों ये हर्फ़े जार आखिर क्या है? हर्फ़े जार यानी प्रपोजिशन का, की, के, पर, ये सब हुरूफ़े जार हैं। क्या आप हुरूफ़े जार की मिसालें दे सकते हैं? का, की, के, को, से, में, पर, पे, तक, तलक। आइए देखते हैं कि जुमलों में मुनासिब हुरूफ़े जार का इस्तेमाल कैसे हुआ है। सारा का रुमाल गंदा हो गया। ज़हीरा की बहन बहुत ज़हीन है। स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। दुकानदार ने ग्राहक को पैसे दिए। मेज पर किताब है। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले जुमले में हर्फ़े जार का इस्तेमाल क्यों किया गया है। क्यों हुरूफ़े जार की और के का इस्तेमाल नहीं हुआ है? सारा का रुमाल गंदा हो गया। इस जुमले में हर्फ़े जार का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि रुमाल मुज़क्कर है। इस वजह से हम कहेंगे सारा का रुमाल गंदा हो गया। अगर जुमला ये होता, सारा रुमाल गंदे हो गए, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा हर्फ़े जार सही है? आप गौर से जुमला देखिए। जुमले को गौर से देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि सही हर्फ़े जार क्या होगा। सारा रुमाल गंदे हो गए। क्या एक ही रुमाल है? नहीं, बहुत से रुमाल हैं। रुमाल गंदे हो गए। चूंकि रुमाल जमा मुज़क्कर में है, इस वजह से हम हर्फ़े जार के इस्तेमाल करेंगे, यानी सारा के रुमाल गंदे हो गए। अब दूसरा जुमला देखते हैं। ज़हीरा की बहन बहुत ज़हीन है। इस
जुमले में हर्फ जार की का इस्तेमाल किया गया है? क्यों हर्फ जार की का इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि बहन मुअन्नस है, लिहाजा हम कहेंगे ज़हीरा की बहन बहुत ज़हीन है। अगर बहन की जगह भाई होता तो हम कहते ज़हीरा का भाई बहुत ज़हीन है। और अगर कई भाई होते तो हम कहते ज़हीरा के भाई बहुत ज़हीन हैं। ज़हीरा भाई बहुत ज़हीन हैं। है से मालूम हो रहा है कि भाई जमा में हैं। इस वजह से हर्फ जार के का इस्तेमाल करेंगे। अब अगला जुमला देखते हैं। स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ हर्फ जार के का इस्तेमाल किया गया है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी बच्चे जमा मुज़क्कर है। इस वजह से हम कहेंगे स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम कहेंगे स्कूल का बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या ये सही है या गलत? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। अगर हम कहेंगे स्कूल की बच्ची पढ़ रही है, या अगर हम कहें स्कूल की बच्चियां पढ़ रही हैं, तो क्या ये सही है या गलत? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्ची और बच्चियां दोनों मुअन्नस हैं। बच्ची वाहिद मुअन्नस है और बच्चियां जमा मुअन्नस हैं, लेकिन दोनों मुअन्नस ही हैं। इस वजह से हर्फ जार की सही है। अब अगला जुमला है, दुकानदार ने ग्राहक को पैसे दिए। इस जुमले में हर्फ जार को का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम कहेंगे दुकानदार ने ग्राहक का पैसे दिए, या दुकानदार ने ग्राहक से पैसे दिए,
या दुकानदार ने गाहक पर पैसे दिए तो वो गलत होगा। कहने से ही पता चलता है कि उन जुमलों में कोई मतलब नहीं है। ये जुमला बेमायने लगते हैं। आइए देखते हैं कि हर्फ़े जार को का इस्तेमाल कैसे करते हैं। माँ ने उसको रोटी दी। मछली फरोश ने आपको ताज़ा मछलियाँ दी। अब ये जुमला देखते हैं। मेज पर किताब है। अगर हम कहते हैं मेज में किताब है तो ये गलत है। आइए हर्फ़े जार पर के साथ चंद और मिसालें देखते हैं। बिस्तर पर खूबसूरत चादर है। पर का मतलब है ऑन। अगर हम कहते हैं बिस्तर में खूबसूरत चादर है तो वो गलत है। इसी तरह हर्फ़े जार पर से और जुमले देखते हैं। घर पर मेहमान आए हुए हैं। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। कई दफा बच्चे हर्फ़े जार पर और मैं इस्तेमाल करने में गलती करते हैं। मग में दूध है। अगर हम कहें मग पर दूध है तो ये गलत है। अब हर्फ़े जार से का इस्तेमाल जुमलों में देखते हैं। माँ बाजार से सब्जी और फल लाई। सुंबुल ने कलमदान से कलम निकाला। फनकार लंदन से पेरिस जाएंगे। बच्चों गौर कीजिए, तलक का मतलब तक ही है, लेकिन तलक से ज़्यादा तक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आइए देखते हैं उनका इस्तेमाल जुमलों में कैसे करते हैं। हम सुबह से शाम तक मसरूफ रहे। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? अगर हम कहते हैं क्या आप मुझे वहां तलक छोड़ सकते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने बताया उसका इस्तेमाल अब कम ही होता है। अज़ीज़ तलबा, हमें उम्मीद है कि हुरूफ़े जार पर ये सबक आप बार बार देखेंगे ताकि
आप उनका सही इस्तेमाल कर सकें। जाने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए एक मश्क है। आपको मुनासिब हर्फ जार चुनकर जुमलों को पूरा करना है। वालिद रोजाना फूलों पानी देता है। कातिल कैद खाने कैद है। हम सुबह से शाम रोजे रखते हैं। अन्नजुम जापानी गुड़िया बहुत प्यारी है। मेज दस्तरखान बिछाया गया है। आसमान काले बादल छाए हुए हैं। बुरी सोहबत दूर रहना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि सही जवाब क्या है। वालिद रोजाना फूलों का पानी देता है। ये गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? वालिद रोजाना फूलों को पानी देता है। कातिल कैद खाने में कैद है। शाबाश। हम सुबह से शाम तक रोजे रखते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अंजुम का जापानी गुड़िया बहुत प्यारी है। गलत जवाब। गुड़िया मुअन्नस है। सही जवाब है अंजुम की जापानी गुड़िया बहुत प्यारी है। मेज पर दस्तरखान बिछाया गया है। बिल्कुल दुरुस्त। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। बहुत खूब। बुरी सोहबत से दूर रहना चाहिए। शाबाश। अजीज बच्चों, अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।